हेलो तो so, आज हम टॉपिक लेने वाले हैं टाइप्स ऑफ सोलर एयर हीटर्स राइट तो कौन से कौन से टाइप्स होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में राइट तो सोलार एयर हीटर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि बेसिक कंसेप्ट क्या रहता है वो सब तो आज हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट जो टाइप्स दिया गया है है ना ये देर आर टू बेसिक टाइप्स ना तो फर्स्ट है हमारे पास नॉन पोरस एब्जॉर्बर प्लेट एयर प्रीहीटर और दूसरा है हमारे पास पोरस एब्जॉर्बर प्लेट एयर प्रीहीटर, राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन पोरस एब्जॉर्बर प्लेट एयर प्रीहीटर के बारे में बताया है नॉर्मली एब्जॉर्बर प्लेट है ना नॉर्मली जो एब्जॉर्बर प्लेट रहती है ना इज मेड ऑफ ऑफ मेटालिक सीट है ना तो वो जो है वो मेटालिक सीट से बनी हुई होती है राइट एंड इट इज नॉन पोरस है ना इट इज नॉन पोरस एयर इज पासिंग थ्रू इट्स अपर सरफेस ओनली है ना एयर इज पासिंग थ्रू इट्स अपर सरफेस ओनली एंड हीट ट्रांसफर फ्रॉम एब्सॉर्बर प्लेट टू एयर टेक्स प्लेस लार्जली बाय कन्वेक्शन है ना हीट ट्रांसफर फ्रॉम एब्जॉर्बर प्लेट टू एयर टेक्स प्लेस लार्जली बाय कन्वेक्शन है ना तो कन्वेक्शन से वो होता है नाउ पैसेज थ्रो विच एयर इज मेंटेनिंग है ना पैसेज थ्रो विच एयर इज मेंटेनिंग इट्स कॉन्टैक्ट विथ हीटेड सरफेस ऑफ एब्जॉर्बर प्लेट इज लिमिटेड है ना जो भी एब्जॉर्बर प्लेट है वो उसका मतलब लिमिटेशन होता है ना कि पैसेज थ्रो विच एयर इज मेंटेनिंग इट्स कॉन्टैक्ट विथ हीटेड सरफेस ऑफ़ एब्सॉर्बर प्लेट इज लिमिटेड सो हैं कि भाई हीट ट्रांसफर एफिशियंसी इज लोअर इन दिसप ऑफ एयर हीटर राइट हैंट ट्रांसफर एफिशियंसी इज लोअर इन दिस टाइप ऑफ एयर हीटर राइट लोअर एफिशियंसी रहती है जबकि पोरस में बताया है कि एब्जॉर्बर है ना पोरस एब्जॉर्बर प्लेट में बताया है कि भाई इन पॉरस एब्जॉर्बर प्लेट एयर हीटर द हनी कॉम है ना मधुमक्खी जैसा वो रहता है ना हनी कॉम है ना राइट तो हनी कॉम प्लेट थ्रू विच एयर इज पासिंग है ना जो छोटे 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 होल रहते हैं ना उसमें से एयर पास होगा है ना सो विच एयर इज पासिंग एंड गोज बैक साइड ऑफ द प्लेट वो मतलब पास होकर वो बैक साइड जो प्लेट रहते हैं ना उसपे जाएगा सो दिस इंक्रीजेस द कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ दब्जॉर्बर प्लेट दिस इंक्रीजेज the contact area of the absorber plate with air right so it can be further increased it can be further increased by providing integral fins it can be further increased by providing integral fins or corrugation right corrugation is has right fins was a type of corrugation स हीट ट्रांसफर एफिशियंसी इज इंक्रीजिंग जब हीट ट्रांसफर एफिशियंसी जो इंक्रीज होती है ना बढ़ती है ना एंड हाई टेम्परेचर एयर कैन बी ओबेन तभी जो एयर का टेम्परेचर है वो मतलब हाई हमें मिलता है राइट देखो यहाँ पे सारे फिगर्स बताए गए हो स्टेप बाय स्टेप है ना क्या क्या होता है तो फर्स्ट जो फिगर बताया गया है तो उसमें फ्लैट एब्जॉर्बर प्लेट एंड हीटर दिया गया है दूसरे में फीड एयर है ना ये 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 छोटे 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 ना, राइट फीड एंड एयर हीटर राइट और बाद में बताया है हैुगेटेड एब्जॉर्बर प्लेट है ना ऐसे जिक्सैक्ट जैसा है ना राइट देन टू पास एयर हीटर बताया गया है तो टू पास में मतलब ये यहाँ तक ही दिया गया है राइट right? और यहाँ से यहाँ से यहाँ से जा सकता है राइट देन ग्लास कवर जो है देखो यहाँ पे ये ग्लास कवर दिया गया है है ना और नीचे जो है वो हनी दिया गया है और यहाँ से मतलब एयर ट्रांसफ़र हो रही है राइट right? और हॉट एयर जो है मैट्रिक्स जो है है ना ये मैट्रिक्स ऐसा बन रहा है ना ऐसे राइट right? और यहाँ पे जो बताया गया है वो है क्या है हमारे पास इंसुलेशन है ना इंसुलेशन भी रखा हुआ है तो हनी कॉम के बारे में बात कर रहे थे ना तो ये था वो फिगर उस पर नीचे हनी कॉम रहता है वो जैसे छोटे 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 हॉल रहते हैं ग्लास कवर रहता है एयर को कोल्ड एयर जा रहा है हॉट एयर जा रहा है कहाँ से जा रहा है ना मैट्रिक्स के थ्रू है ना इंसुलेशन दिया गया, गया है राइट सो बेसिकली ये फिगर दिया गया है हनीकॉम एयर हीटर के बारे देन बताया कि हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी ऑफ नॉन पोरस एब्जॉर्बर प्लेट कैन नॉट बी इंक्रीज नॉन पोरस प्लेट कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड सर्टिन लिमिट है ना बियॉन्ड सर्टन लिमिट सो हैंस एब्जॉर्बर प्लेट विथ पोरोसिटी कैन बी यूज्ड Hence, absorber plate with porosity can be used. So, various types and design of porous absorber plate can be used in air heater. Various types and design of porous absorber plate can be used in air heater. Right? Then, First of all, कॉपर एंड एल्युमिनियम स्क्रीन्स कॉपर एंड एल्युमिनियम स्क्रीन्स कैन बी यूज एज एब्जॉर्बर प्लेट है ना कॉपर और वी कैन से एल्युमिनियम जो है वो जो स्क्रीन है उसको हम एब्जॉर्बर प्लेट के तौर पे हम यूज करते हैं सो डेंसर द डिजाइन ऑफ द स्क्रीन बेटर इज द हीट ट्रांसफर एफिशंसी है ना जो डेंसर मीडियम रहता है ना तो वो मतलब द डिजाइन ऑफ स्क्रीन बैटर द हीट ट्रांसफर एफिशंस हीट ट्रांसफर एफिस को बढ़ा देता है ना सो वी कैन से दैट देन सेकेंड दिया गया है कि थिक हनी कॉम प्लेट थिक हनी कॉम प्लेट विथ होल्स कैन बी यूज एज एब्जॉर्बर प्लेट है ना थिक हनी कॉम प्लेट विथ हॉल्स कैन बी यूज एज एब्जॉर्बर प्लेट है ना एब्जॉर्बर प्लेट के तौर पर वो यूज़ होगा राइट सो फॉर टाइप्स ऑफ एब्जॉर्बर प्लेट ऑफ सोलर एयर हीटर उसमें क्या होता है कि भाई पोरस एब्जॉर्बर प्लेट हैज़ वन डिसएडवाटेज है ना पोरस एब्जॉर्बर प्लेट हैज़ वन डिसएडवाटेज है है ना कि इट रिड्यूज द एयर प्रेशर जो एयर प्रेशर जो रहता है ना उसको मतलब वो रिड्यूस कर देता है राइट बट दिस कैन बी मिनिमाइज बाई यूजिंग लार्जर एरिया ऑफ द प्लेट है ना तो वो हो सकता है देन उसके बारे में हम बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इसके बारे में ऑफ सोलर एयर हीटर पहले तो हमने टाइप्स देख लिए बराबर अब बात करते हैं एडवांटेज क्या रहते हैं तो फर्स्ट एडवांटेज दिया गया है कि भाई फ्लूड प्रेशर ऑफ एयर इज लोअर देन द लिक्विड प्रेशर है ना फ्लूड प्रेशर जो है वो मतलब क्या होता है कि लोअर देन द लिक्विड प्रेशर तो इन फ्लैट प्लेट वाटर हीटर में है ना फ्लूड और लिक्विड के बारे में बताया गया है देन बताया गया सेकेंड पॉइंट कि एनी लीकेज इन फ्लैट प्लेट वाटर हीटर स्टॉप्स इट्स वर्किंग है ना एनी लीकेज इन फ्लैट प्लेट वाटर हीटर स्टॉप्स इट्स वर्किंग सो बाई लीकेज इन द एयर हीटर डज नॉट मच अफेक्ट है ना वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा राइट तो वी कैन से दैट राइट डज नॉट मच इफेक्ट और अफेक्ट इट्स वर्किंग एक्सेप्ट लॉस ऑफ एफिसंसी राइट देन थर्ड बताया कि भाई देर इज नो क्रोजन इन साइड द एयर हीटर ना अदरवाइज क्या होता है कि कोरोजन लग जाएगा तो वो मतलब पूरा वो बिगड़ जाएगा है ना काट लग जाएगा जंग जंग लग जाएगा है ना ऐसा बोल सकते हैं हम तो देर इज नो कोरोजन इन साइड द एयर हीटर क्योंकि वो ऑक्सीडेशन होकर मतलब वो बढ़ जाता है कोरोजन राइट देन फोर्थ बताया कि इन कोल्डर कंट्रीज वेन वॉटर फ्रीज इज दीटर स्टॉप इट्स वर्किंग देर इज नो सच प्रॉब्लम इन एयर हीटर है ना देर इज नो सच प्रॉब्लम इन एयर हीटर सो वे सो वेरियस टाइप्स ऑफ एब्जॉर्बर प्लेट कैन बी यूज टू इंक्रीज देंस उसके लिए ही तो यूज होता है, है ना एफिसेंस को क्या करना है हमें मतलब इंक्रीज करना है राइट देन किसकी तो एयरहीटर्स की देन बताया कि इट इज़ ईजी टू फैब्रिकेट है ना उसको बनाने में भी अच्छा रहता है मैन्युफैक्चरिंग का है ना फैब्रिकेट करना भी ईजी रहता है देन लास्ट बताया कि नो स्टोरेज टैंक इज नीडेड स्टोरेज टैंकी भी उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड द हीटेड एयर कैन बी डायरेक्टली यूज टू फॉर रूम हीटिंग है ना जब भी वो बर्फ पड़ती है मतलब है ना तो उधर क्या हीटर चालू करते हैं ना जबकि हमारे यहाँ बहुत गर्मी रहती है तो हम ए स्टार्ट करते हैं तो वैसे ही वहाँ पे हीटर रहता है कोल्ड जो एरिया रहता है उस पर हाँ, कर सकते हैं तो डिसएडवांटेज क्या बताया गया है इसमें <laughs> तो डिसएडवांटेज बताया गया है कि द एयर इज नॉट इफेक्टिवली हीटेड है ना जितनी होनी चाहिए उतनी होती नहीं है एंड टेम्परेचर ऑफ हीटेड एयर इज नॉट वेरी हाई है ना बोल दिया इसमें राइट देन दूसरा दिया कि द लीकेज इस रिड्यूस द एफिशंसी ऑफ द एयर हीटर एंड थर्ड बताया कि नॉट एज पॉपुलर एज फ्लैट प्लेट वाटर हीटर राइट नाव अब डिस्कस कर लेते हम कि भाई कंपेरिजन ऑफ फ्लैट प्लेट वाटर हीटर

सेकेंड बताया कि प्रेशर ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द ट्यूब इज हायर जबकि एयर में बताया कि प्रेशर ऑफ एयर पासिंग थ्रू द कलेक्टर इज नॉट वेरी हाई बहुत ज्यादा नहीं है वो राइट वी कैन से दैट देन थर्ड बताया कि एब्जॉर्बर प्लेट इज सिंपल एंड फ्लैट है ना एब्जॉर्बर प्लेट जो है वो सिंपल एंड फ्लैट है और दूसरा बताया कि एब्जॉर्बर प्लेट हैव वेरियस डिजाइन पोरस नॉन पोरस हनीकॉम कॉम वी कैन से दैट देन लिक्विड कलेक्टर में बताया कि ट्यूब्स मे गेट कोरोड बाय वाटर है ना ट्यूब जो है वो मतलब वाटर से वो कोरोजन लग जाता है ना जबकि इसमें बताया कि फ्लैट एयर कलेक्टर में वो कोरोजन लगता ही नहीं है ना तो नो पॉसिबिलिटी ऑफ कोरोजन वी कैन से दैट राइट और बाद में बताया है कि डायामीटर ऑफ है न जो फ्लैट प्लेट लिक्विड कलेक्टर है लिक्विड और एयर कलेक्टर के बारे में डिफ्रेंस है राइट सो डायामीटर कैन बी मिनिमाइज सो दैट टेम्परेचर ऑफ हीटेड वाटर कैन बी इंक्रीज है ना वाटर कैन बी इंक्रीज एंड फ्लैट प्लेट एयर कलेक्टर में बताया है कि लार्जर एयर पैसेजिस do not permit the higher temperature of air with higher temperature of consider right then sixth point what i have by freezing of water in the tubes result in bursting of tube the freezing of water in the tubes result in bursting of ट्यूब्स so, सो इसमें यह बताया तो सिक्स वाला दूसरा बताया कि नो सच पॉसिबिलिटी इन एयर कलेक्टर्स है ना कोई पॉसिबिलिटी नहीं बताई है ना एयर कलेक्टर में राइट देन सेवंथ बताया कि लिक्विड प्लेट है ना लिक्विड प्लेट कलेक्टर्स आर मोर पॉपुलर देन एयर कलेक्टर है ना लिक्विड प्लेट कलेक्टर्स आर मोर पॉपुलर देन एयर कलेक्टर जबकि सेवंथ इसमें बताया कि एयर कलेक्टर्स आर नॉट है ना एयर कलेक्टर्स आर नॉट डेट पॉपुलर वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है तो लिक्विड में बताया है कि भाई है ना कि फैब्रिकेशन इज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ वाटर ट्यूब वाटर ट्यूब के कारण वो फैब्रिकेशन वाला वो नहीं बन सकता है लेकिन एयर फिल्टर तो बनता है ना फैब्रिकेशन इज सिंपल उसमें सिंपल से हो जाते हैं और लास्ट पॉइंट दिया गया कि एफिशिएंसी इज हायर जो एफिशिएंसी दी गई है वो मतलब लिक्विड कलेक्टर की हायर रहती है जबकि एयर एयर हीटर जो है उसके मतलब लोअर एफिशिएंसी रहती है राइट तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू एफिशिएंसी ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर नेक्स्ट टाइम राइट ये काम करते हैं, ले ही लेते हैं ना तो एफिशिएंसी ऑफ फ्लैट प्लेट वाटर है ना एंड एयर कलेक्टर में बताया कि एफिशिएंसी ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर इट इज़ डिफाइन एज द रेशियो ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द है ना ये रेशियो जो दिया गया है ना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द फ्लूड इन गिवन टाइम टू द हीट एनर्जी फॉलिंग ऑन द कलेक्टर ड्यूरिंग द सेम टाइम राइट तो वही चीज़ तो यहाँ पर बताई गई है और फैक्टर कौन से कौन से अफेक्ट होते हैं तो एक तो है हमारे पास ये डिज़ाइन ऑफ एब्जॉर्बर प्लेट दैन डिज़ाइन ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर एंड डिज़ाइन ऑफ ट्यूब तो so, ये सारे चीज़ जो है वो मतलब अफेक्ट करते हैं वी कैन से दैट और फोर्थ तो जो बताया गया है वो है हमारे पास मतलब हीट रिमूवल फैक्टर हाँ तो ये डिटेल में आप पढ़ सकते हैं राइट तो जी ट्यूब में बारी बारी पूछा भी गया है कि भाई डिज़ाइन ऑफ एब्जॉर्बर प्लेट में क्या बताया कि टाइप ऑफ एब्जॉर्बर प्लेट इट्स थिकनेस स्पेसिफिक हीट एंड कोफिशेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी प्लांटिंग ऑफ बैक ब्लैक पेंट एसेट ना ब्लैक प्लेट जैसा करते हैं तो उसमें ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है तो यहाँ पे हम स्टॉप करते टाइप्स भी हम ख़त्म कर दिए राइट